हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूजन। और मैं हूँ रात्रि। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जॉनसन बेबी क्रीम। ये रही क्रीम जॉनसन बेबी की। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी और इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि ये अडल्ट्स के लिए भी है कि सिर्फ बेबीज़ के लिए है। तो ये इसका प्राइस क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मैंने काफ़ी देर से वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसीलिए काफ़ी देर हो गई है मुझे ये वीडियो अपलोड किए हुए। तो इसीलिए उसके लिए सो सॉरी अगर जो भी मतलब मेरी वीडियो का वेट करते हैं कि कब अपलोड होगी, कब क्योंकि एक्चुअली मुझे जॉनसन बेबी के बारे में काफ़ी कमेंट भी आए थे कि मैम इसके बारे में रिव्यू दो और इसका टेक्स्चर कैसा है, क्या है। तो एक्चुअली ये अभी तक आई भी नहीं थी। मैंने नायका से ऑर्डर किया था इसको, तो अभी तक नहीं पहुँची थी। तो मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले इसी का ही रिव्यू आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसीलिए थोड़ा टाइम इसमें भी आने में लग गया और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको मेरी रिव्यू जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ, ये रही जॉनसन बेबी की क्रीम। एक्चुअली इसके बारे में मुझे कमेंट में भी किसी ने कमेंट किया था। तो ये इसमें 3 वेराइटीज़ आती है, मतलब कि इसमें 3 शेड्स। अगर आप कलर के बारे में अगर मैं बता दूँ तो उसमें 3 और हैं। एक तो मिल्क प्लस राइस वाली आती है जिसका कलर है ब्लू में, ब्लू मतलब इस जो ये यहाँ पे जो इन्होंने इसका जो प्रिंट बनाया हुआ है इसमें ब्लू कलर में है। तो उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, उसकी वीडियो भी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो मैं इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं भी होगी तो आप वहाँ से देख लेना, मेरी वीडियोज़ में भी वहाँ पर अवेलेबल होगी, इसका पूरा रिव्यू होगा। तो उसके बाद एक आती है पिंक शेड में, तो एक थर्ड जो अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट आई है ये, इसमें ये पीच कलर में है। ये बिल्कुल आपके सामने है, इसका कलर भी ये पीच शेड में है। तो ये मैं नायका से परचेज़ की थी। तो अभी नायका में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये 28 नवंबर तक वहाँ पे ऑफ़र्स चल रहे हैं, पिंक सेल चल रहा है, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जो ये वाला है ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी आया है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसी का वेट कर रही थी कि ये आए तो इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो ये है जॉनसन बेबी कॉटन टच, और ये बहुत ही मतलब कि है तो बिल्कुल सेम वैसा ही इसका पैटर्न है, बस इन्होंने यहाँ से जो उसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट किया होता है, और तो टेक्स्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क आता है। तो यह है जॉनसन कॉटन टच न्यू बॉर्न क्रीम। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, और इसके बारे में इसका टेक्स्चर भी कैसा है तो आज अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 170 रुपीज़, और ये 100 ग्राम है, वहाँ पे 60 पता नहीं 80 ग्राम की भी मिलती है, तो उसका प्राइस भी आई थिंक 90 रुपीज़ है कि 80 रुपीज़। इससे मतलब कि इससे छोटा वाला पैक भी आपको ट्राई अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको। ये मैंने बड़ा मंगवाया था क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे थे, और मुझे मैंने राइस प्लस क्रीम सॉरी मिल्क प्लस राइस वाली भी मैंने वो उसका भी रिव्यू शेयर किया है आपके साथ, तो मैंने वो यूज़ भी की है। तो ये मैंने यूज़ कभी नहीं की थी क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट आई हुई है। तो ये अगर 170 की यहाँ पे अगर MRP लिखा हुआ ना, तो अगर आप नायका से या फिर पर्पल से लोगे, मैंने तो नायका से लिया था, तो नायका से मुझे ये 150 के आसपास मिल जाएगी। अगर आप अभी परचेज़ करते हैं तो ये आपको आई थिंक 140 की भी मिल सकती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका प्राइस एंड ऑल। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्स्चर बता दूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको सामने ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल मैं आपको फेस पे लगा के दिखाऊंगी। ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया अगर मैं फेस पे आपको, क्योंकि हमने फेस पे ही लगानी है मेन, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा अगर यूज़ करके दिखाऊँ कि ये किस तरीके का है और कौन सी स्किन टोन के लिए सूट करता है। मेन हम यही देख के ही लेते हैं, तो मैं इसको अब्जॉर्व करवा लूँ अगर, तो उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी क्या है।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको बिल्कुल अप्लाई कर लिया है। तो इसके अगर टेक्सचर की बात करें, ये बिल्कुल लाइट वेट है। इसको आप एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। जिसकी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो विंटर में उसकी भी इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती, तो ये उनको भी बहुत अच्छे से सूट करेगा। और जिसकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन भी है, थोड़ी ड्राई स्किन भी है, तो ये उसके लिए भी सूट करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। ठीक है, ये दोनों स्किन टोन के लिए सूट करेगा। ये इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ऑयली स्किन के लिए बना है या तो ये ड्राई स्किन के लिए बना है, ये दोनों यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल लाइट वेट है और लगाने के बाद बिल्कुल इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है इसको लगाने के बाद। और अगर बेबीज़ की बात करें तो बेबी को तो ये सूट करेगा, क्योंकि विंटर्स हैं। और ये वाला जो है कॉटन टच वाला, अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला अभी विंटर्स में काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मिल्क प्लस राइस वाला है वो थोड़ा ड्राई था, तो वो अभी अभी सूट इतना नहीं करेगा, लेकिन जो ये वाला है ये काफ़ी अच्छा मतलब कि विंटर्स के लिए रहेगा। अगर हम अडल्ट की बात करें तो ये अडल्ट को भी बहुत अच्छा सूट करेगा, क्योंकि कुछ होते हैं कि उनको कॉस्मेटिक नहीं सूट करता। वो सोचते हैं कि हमें कॉस्मेटिक नहीं लगाना है, हम कौन सी ऐसी क्रीम लगाएं जिससे हमारा फेस है बिल्कुल सॉफ्ट रहे और कोई भी पिंपल्स या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अडल्ट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई भी एक्ने या कोई कुछ नहीं आने वाला। और ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखो मैंने अभी एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब इसमें एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने लगा लिया है, तो काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिस्पॉन्स लगा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। लगाने के बाद मुझे नहीं फील हो रहा कि मैंने कुछ हैवी लगाया हुआ है। अब इसकी इसके बाद अगर इसकी स्मेल की फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी इसकी माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और मुझे ये थोड़ी पीच में भी लग रही है। अगर ये पीच कलर है इसमें तो थोड़ी मुझे उसकी फ्रेग्रेंस लग रही है। इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस है काफ़ी। इसको इसी फ्रेग्रेंस को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये सूट नहीं करेगा, बेबीज़ को भी नहीं करेगा और हमें भी नहीं करेगा। ये इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। और उसको लगाने के बाद आप फेस मेरा देख सकते हो कि थोड़ा शाइन भी कर रहा है, सॉफ्ट लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छा। क्योंकि मैं जॉनसन बेबी क्रीम नहीं लगाती हूँ, लेकिन विंटर्स हैं अभी, आप एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाई है और डेफिनेटली मैं भी लगा सकती हूँ उसको, क्योंकि अभी जैसे आप फेस वॉश कर रहे हो मॉर्निंग या तो फिर रात को भी, अगर आप फेस वॉश कर रहे हो, आप कहीं गए हो, उसके बाद अगर आप फेस वॉश करके इसको लगा लेंगे तो आपका फेस सॉफ्ट रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्ने की। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और आई थिंक आपको भी जो ये वाला इसकी जॉनसन बेबी का ये वाला जो न्यू जो क्रीम आया है काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। ये पीच कलर में है, तो नायका में जाके वहाँ पे ये मत कंफ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि इसमें पिंक कलर में भी है और ये पीच कलर में भी है। बस आप इतना टाइप करना वहाँ पे कि जॉनसन कॉटन टच, बिल्कुल नंबर वन पे ये आती है अभी, क्योंकि आप टाइप करोगे वहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला यही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। रिव्यू आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन है और आपके साथ सामने ही मैं शेयर कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल आपके सामने ही मैंने बताया है। इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपका फेस सॉफ्ट रहेगा और ड्राइनेस जो भी होगी आपके फेस पे वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।